ये है कार्तिक आर्यन का सीक्रेट जिन्होंने अभी रीसेंट मूवी चंदू चैंपियन के लिए कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन की मेरी मूवी अभी देखी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे रिव्यूज इसके आ रहे हैं ना आई इंटेंड टू वॉच तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कार्तिक ने फिजिक अचीव कैसे की क्योंकि वेजिटेरियन भी है और ऑन द आउटसेट में ये बात बोल सकता हूँ नो इज यूज इस पूरी में हाँ लेकिन एंडिंग का जो पिक्चर है जो इनके शॉर्ट्स बाहर आ रहे हैं उनके लिए चीजें क्या क्या की गई है हम उनकी बात करेंगे अब ये देखिए ये हमारे क्लाइंट है मसरूफ ये फोर्टी ईय के है मच ओल्डर देन कार्तिक हमने

ही अ लीन गाय लेकिन बहुत मस्कुलर तो कभी भी नहीं थे उसका दो हजार उन्नीस की बात करूं तो लुका चिपी हो गए या पति पत्नी या वो वाली मूवी होगी इसमें भी इनकी फिजिक ऑलमोस्ट वैसी ही थी जैसे पहले थी ये मेरे को ये देखो का आर्टिकल बड़ा पुराना मिला था रिसर्च करते करते इस वीडियो की प्रताप कार्तिक ने बताया था कि अ फूडी साइड टू लेकिन अगेन ही विजिबल उस टाइम पे भी उसके बाद कोविड नाइनटीन हुआ और उस दौरान कुछ अगेन कोई खास अपडेट्स नहीं थे इनके फिर धमाका मूवी आई उसमें भी मुझे इनकी फिजिक सिमिलर सी लगी फिर भूल भुलैया टू आई मतलब इन सारी मूवीज में जैसे अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे कार्तिक की रणवीर के साथ ये बोलते हैं कहते हैं कहते नो इज ग्रेट लेकिन इनको क्या as an actor box office में हिट हो वो सब चीजें ज़्यादा करती तो इनकी अपील टाइगर है तो हो, बात लेकिन इज नॉट मोर ऑफ मुझे बॉडी दिखानी दिखानी तो फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टाइप की चीजें है इज नॉट लाइक वेरी लेकिन चंदू चैंपियन के लिए प्ले नहीं कर सकते अब इसमें कुछ चीजें डिस्कस कर

जब ब्लैटिव आएगा फैट लॉस का तो कहां जाओगे अब अगला पार्ट है फैट्स का तो जितना आपका वेट है आप अगर उतने ग्राम फैट्स भी खा रहे हो या उसके पॉइंट एट ग्राम भी खा रहे हो चाहे अस्सी किलो के हो तो साठ चौसठ ग्राम फैट्स खा रहे हो वो सही है कभी भी ऐसा मत करना एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो जीरो ग्राम फैट्स या बड़े कम ग्राम फैट्स वो मत करो क्योंकि फैट्स टेस्टॉन प्रोडक्शन हार्मोन प्रोडक्शन इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत जरूरी है और जैसे जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आगे होती जाती है आप कार्ब्स और फैट्स को ऊपर नीचे करोगे प्रोटीन वहीं का वहीं रहने देना और फैट्स वाला पार्ट भी फिफ्टी ग्राम से कम मत लेके आना जब बड़ा आपको नीचे जाना हो ठीक है इज हाउ यू स्टार्ट द डायट पार्ट अब सेकंड पार्ट है जो ट्रेनिंग वाली चीज है. है, है अब जो ट्रेनिंग वाली चीज है उसमें थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग था यू हैव कार्डियो यू अ गेम ठीक है अब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप ये नहीं देखते आप कितनी कैलोरीज बर्न करोगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप ये देखते हो कि भाई आप कितना मसल पर टर्न कर सकते हो क्योंकि जब बॉडी स्ट्रिप डाउन करती है अपना सारा फैट तो वो जो टोन टो मसल दिखता है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सेकंड पार्ट है जो कार्डियो वाला पार्ट है कार्डियो इज समथिंग जब हम अपना कैलोरी डेफिसिट बढ़ा सकते हैं हमने एक डाइट शुरू की हम डाइट से कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं हम कार्डियो से भी कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं लेकिन ये सारे वेरिएबल्स ये सारे टूल्स इकट्ठे नहीं होते पहले आप कार्डियो बड़ा हल्का सा रखो लाइट वॉकिंग वाला पार्ट जैसे टेन कर हो, हो लेकिन जैसे, 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 तो तो काट जैसे ही एक टूल रुकता है उसके बाद बाकी चीजें यूज कीजिए और रही बात फिर गेम्स की कार्तिक केस में बड़ी जरूरी थी लेकिन जैसे आजकल कल चल रही है तो इफ़ किसी स्विमिंग पूल में रनिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन किसी टाइप की गेम अगर आप इंक्लूड कर सकते हो जैसे आधा घंटा एक घंटा खेल रहे हो आप अच्छी

ज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रिपीट एक्सरसाइज इज फॉर्म ऑफ स्ट्रेस अगर स्ट्रेस से रिकवर कर पाओगे तभी प्रोग्रेस करोगे ठीक है तो अगर आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो बड़ी सारी एक्टिविटी कर रहे हो लेकिन सोने को सिर्फ चार घंटे तो मत करो तो इससे एक चीज आती है अगर आप एक टारगेट है जो बहुत सारे एक्टिविटी लगेगी लेकिन सोने का टाइम नहीं है तो बिल्कुल टाइम मत करो अटेम्प तभी करो जो मिनिमम रात के सात घंटे सो सकते हो आपको क्यों लगता है जो हाल फिलहाल में इतने हार्ट के इशूज हो रहे हैं हार्ट अटैक में क्यों हो रहे क्योंकि शाम के टाइम पे प्री वर्कआउट लेकर वर्कआउट तो कर लिया सुबह उठ लिया कॉफी पी के लेकिन नींद का पार्ट बड़ा कम हो गया रिकवरी

एक्स्ट्रा की जरूरत होती है और संबड़ी जेनेटिकली ब्लेस्ड तो अगर ये नहीं है तो फॉर मोस्ट पीपल सिक्स पैक्स आप लाइस ठीक है लेकिन उस टाइम पे एक्सपेक्ट पीपल शॉ विधल आपके कपड़े पहने होंगे